चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर लगातार 30 जनवरी तो बाद यानी कि मेयर इलेक्शन तो बाद आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस वालों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है ते नगर निगम दे बाहर बैठ के वख वख बैनर्स लैके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि पुलिस वालों साफ तौर पर कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने दिता जाएगा। कल भी इन्हों डिटेन किया गया सी ते आज दोबारा तो आम आदमी पार्टी के काउंसलर उन्होंने सपोर्टर इतने बैठे हुए ने वख वख जिहड़े बैनर्स लैके प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्हों वालों कहा गया सीगा कि लगातार असी अनशन करांगे और डेली नगर निगम के बाहर बैठ के असी प्रोटेस्ट करांगे। साडे नाल काउंसलर सी उन्हां नाल गल्लबात भी कर लैंदे आ। सर अज भी बैठे हुए हो लेकिन पुलिस का कहना है कि इतने परमिशन नहीं। देखिए परमिशन नहीं है ये करके धक्काशाही ठीक नहीं है। हम लोग बिल्कुल पीसफुल, आप देखिए 5 लोग बैठे हैं और बाकी हमारे 5-4 साथी हैं ये भी हट जाते हैं। अभी कल इन्होंने देखो कैसे किया ये कि जैसे काउंसलर काम के लिए जा रहे हैं वार्ड के उनको भी रोक दिया गया। कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर है, पता नहीं किसका आर्डर है मुझे नहीं पता। लेकिन अब हम लोग चुनिंदा हैं, 7,500 वोट लेके पब्लिक ने जिता के भेजा है, पब्लिक का काम करने के लिए अंदर नहीं जाएंगे। मेरी फाइल अभी भी अंदर पड़ी है, अगर आप अभी जाके देखेंगे तो कल मेरी फाइल अंदर पड़ी है। मैंने कहा मुझे मेरी गाड़ी निकालने दीजिए, गाड़ी निकालने नहीं देने दे रहे थे। और कल आपने देखा होगा जो कल का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर मर्डर का केस करना चाहिए, इसने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है। तो अब हम लोग कहते थे, बीजेपी वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अब क्या कहेंगे। तो इनकी चोरी पकड़े गई है और अब इनकी जो सीना जोरी वाला जो काम है वो कल आप लोगों ने भी देखा, बिल्कुल धक्के से बंद ले जाके बंद कर देते हैं। सुनवाई होनी है मैडम, किस तरह से देखते हो जिस तरह से? देखिए सबसे पहले तो हम मान योग सत्कार योग जो सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने सच के हक में फैसला सुनाया है। और जो सोमवार को सुनवाई होगी हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि जो भी फैसला होगा वो सच के साथ ही खड़ा होगा, क्योंकि हमेशा झूठ कितना भी क्यों ना हो हमेशा, लेकिन बाद में हमेशा से ही सच्चाई की जीत होती आ रही है और ऐसे ही सच्चाई की ही जीत होगी। हम लोगों की मांग ये है कि ये अकेले अनिल मसीह नहीं है, ये इसका पूरा एक जाल है, एक गैंग कह लो, इसमें सारे लोग मिले हुए हैं। और किसके पर मतलब किसकी सह से ये कर रहा है, इनके अकेले किसकी हिम्मत नहीं ऐसे करेगा। तो बिल्कुल लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के काउंसलर से समर्थक वालों, हालांकि पुलिस पार्टी भी इत्थे मौजूद है। हालांकि पुलिस वालों कहा जा रहा है कि इत्थे परमिशन नहीं है, तुसी पहला परमिशन लेके आओ या फिर सेक्टर 25 जाके इत्थे परमिशन लैके ही तुसी बैठ सकते हो। काफी चीजां ने, हालांकि पुलिस फोर्स इत्थे पहुंच चुकी है ते इन्हां नूं हुण उठाण की तैयारी भी हैगी है, क्योंकि कल भी काफी हंगामा होया, परसों भी काफी हंगामा होया है। जिहड़े सह प्रभारी ने सनी आलूवालिया उन्होंने भी डिटेन किया गया सीगा, कल भी काफी ज्यादा सपोर्टर्स जिहड़े है उन्होंने भी डिटेन किया गया सी और पूरी बैरीकेटिंग भी इत्थे नगर निगम के बाहर की हुई है। किसी नूं अंदर जाने की परमिशन या फिर अंदर बह के किसी नूं भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी या परमिशन नहीं दी गई है। बड़ा क्लीयर पुलिस वालों कहा गया सीगा कि किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने दिता जाएगा। और जिस तरह की कल चीजा हुई हैं, प्रदर्शन होया या फिर हंगामा होया, वह नहीं करता जाएगा। चंडीगढ़ तो कैमरामैन विनोद कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।